और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग सेटअप सीरीज का मेरा ये तीसरा वीडियो है और पिछले दो वीडियो में जो है मैंने आपको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग सेटअप से रिलेटेड कुछ टेक्निकल बातों की जानकारी दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग सेटअप में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमें आगे चलकर किसी तरह की कोई समस्या न हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मैंने दूसरे वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि हमें ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग सेटअप में प्रति एकड़ हमें कितना कॉस्ट जाने वाला है, उसकी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी दी थी। अगर अभी तक आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो उन दो वीडियोस का लिंक जो है मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप कृपया जाएँ और उन दो वीडियोस को देखें जिससे कि आपको एक एक अच्छी जानकारी हो जाएगी और आपको ड्रैगन फ्रूट फार्म सेटअप में किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो का विषय है जल जमाव के कारण होने वाले नुकसान से ड्रैगन फ्रूट का बचाव। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ड्रैगन फ्रूट की जो जड़ है वो लगभग 2 फीट की रेडियस में फैलती है और वहाँ से न्यूट्रिशन को ग्रैब करती है। तो इसमें क्या है कि ड्रैगन फ्रूट एक वाटर सेंसिटिव प्लांट, उसे पानी चाहिए बट इतनी मात्रा में पानी नहीं चाहिए, उसे एक ज़रूरत की मात्रा में पानी चाहिए जिससे कि उसे किस तरह का नुकसान ना हो। बट यहाँ पे आप जैसा कि मेरे इस खेत में देख रहे हैं, इस पोल के मैंने चारों साइड जो है एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये लगभग इसकी जो गुंबदनुमा स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसका जो रेडियस है वो 2 फीट का है। तो इससे होता क्या है कि अगर यहाँ पे बरसात के कारण पानी का अगर जल जमाव होता भी है तो इस 2 फीट के एरिया में जहाँ तक उसका जड़ है वहाँ पे पानी नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे मेड़नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया है तो मैं क्या करूँगा, पानी इस माध्यम से यहाँ से निकाल दूँगा जिससे कि उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या मेड़नुमा स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए। इसमें सिंपल है, आप पहले तो आपके पास अगर कंपोस्ट है, किस तरह का गोबर खाद का कंपोस्ट है तो वो ले लें, वो इस पूल के चारों ओर के एरिया में डाल दें और उसको डालने के बाद उसको अच्छी तरह से जो है यहाँ की मिट्टी में उसे मिक्स कर लें और उसे गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बना लें। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे गोबर कंपोस्ट खाद है उसको 4-5 तसले के अराउंड लेके उसके चारों पर लगा के उसे एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर मिट्टी मिक्स करके या रेत मिक्स करके बना लेंगे तो इससे एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिससे कि ड्रैगन फ्रूट को जल जमाव से होने के कारण होने वाले किसी तरह से नुकसान से बचाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव को दें कि आपको और ड्रैगन फ्रूट में टेक्निकल या फिर कॉस्टिंग या फिर किसी तरह के होने वाले नुकसान से बचाव से रिलेटेड कोई अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपने सुझाव को दें। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।